हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द कल्मिनेशन ऑफ द बेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड। इट्स टाइम फॉर द फाइनल। गुजरात वर्सेस चेन्नई होगा गेम गुजरात के होम ग्राउंड पे। यानी हमारे साथ आज निखिल भाई, जो कल सीधा आपको वहां से कंडीशंस बताएंगे। कैसे हो आप निखिल भाई, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द गेम? ट्राई करा हमने बहुत कुछ करने का पर हुआ नहीं, बट वी कीप ट्राइंग एंड अगेन अ ग्रेट ग्रेट सीजन। एक्चुअली लॉट्स टू लर्न फैंटेसी वाइज, फ्यू वेरी गुड गेम्स, फ्यू टेरिबल टेरिबल जीरो रिटर्न गेम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ फैंटेसी। बहुत कुछ सीखने मिला। तो फाइनल मुझे लगता है दो बेस्ट टीम्स के बीच में है। टू टीम्स हैव डोमिनेटेड द एंटायर लीग स्टेज, सो फेयर प्ले। एंड या बहुत बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमने हर वीडियो में डिस्कस करा है, एंड इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द सेम मैचअप्स। शमी वर्सेस न्यू बॉल, CSK इज ओपनिंग पार्टनरशिप, शिवम दुबे वर्सेस राशिद खान नूर अहमद, एवरीथिंग इज अगेन ऑन द प्लेट। यस, फोर्थ टाइम दैट बोथ दीज टीम्स विल बी मीटिंग ईच अदर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा जाएगा ये गेम। तो स्टार्ट करेंगे सीधा वेन्यू कंडीशंस के साथ। तो पिच की फोटो दिखा के आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि यही पिच की फोटो मैं 10 बार से ज्यादा ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बट एक्सपेक्टेशन यही थी कि लास्ट गेम में भी जब बारिश हुई थी, हमें लगा था कि स्टार्टिंग में कुछ हेल्प होगी, बट बैरनडॉफ को सरप्राइजिंगली कुछ खास ऐसी मूवमेंट हाँ नहीं मिली। बट वापस सेकेंड इनिंग्स में शमी ने आके बिल्कुल कुछ तो निकाल ही दिया। तो यहाँ पे मतलब आई मे बी आई एम मिसिंग सम साइंटिफिक लॉजिक और सम रीजनिंग, बट समहाउ फॉर सम रीजन द बॉल इज मूविंग इन द सेकेंड इनिंग्स। आई डोंट नो इफ देर इज सम लाइक कंडीशन बेस्ड थॉट टू नो दैट, सर रीजन, एनी आइडिया? बिकॉज वैसे अंडर लाइट्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देर लाइट इज तो नो दोनों में। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विद ब्रीज, विंड, ह्यूमिडिटी, विच एवर वे यू वॉन्ट टू लुक एट इट फॉर देयर टू बी स्विंग। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों हो रहा है, पर ये बस भगवान की मेहर है कि वो हो रहा है। यस, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि इस गेम में वो स्टार्टिंग में सेकेंड इनिंग में मूवमेंट रहेगा कि नहीं। बट उसके अलावा हमने देखा है कि ये ऐसा ट्रैक नहीं है जहाँ पे चांस नहीं मिल रहा। हमने देखा कि गिल ने भी कुछ चांसेस दिए, दे डिड नॉट टेक देम एंड देन ही कैपिटलाइज। सो ऐसा नहीं कि क्या बॉलर बैटर्स अप फ्रंट चांस नहीं देंगे, बट आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स बैटर्स माइट बी द सेफर बेट, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में हम देख रहे हैं गेम आफ्टर गेम की वो स्टार्टिंग वाली मूवमेंट सबको ट्रेवल करती जा रही है। तो इन प्रिसाइज ये रहे आज के वेन्यू कंडीशन। निखिल भाई, एनीथिंग एल्स टू ऐड? नहीं, बट एक्चुअली दोज वेन्यू कंडीशंस मेक अ मैसिव डिफरेंस, क्योंकि जो तीन सबसे कॉमन ऑप्शन है कैप्टनसी के, तीनों ओपनर है, तो इट इज वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू टू टेक द राइट पंट। डेफिनेटली आप कहोगे कि गिल और कॉनवे आर द मोर कंसिस्टेंट वंस, तो आप उन पे रिस्क ले सकते हो, और दोनों वैसे अग्रेसिव शॉट खेलते भी नहीं है कि आउट होने के लिए। तो अगर दोनों से अगर चेस कर रही है जो भी टीम, उसका ओपनर को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो थोड़ा क्रिस जॉर्डन जैसा नहीं पर गिल जैसा लक आपको चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। तो ये रहे हमारे आज के वेन्यू कंडीशंस, एंड क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि ओपनर्स के साथ थोड़ा रिस्क रह सकता है स्टार्टिंग में, तो क्यों ना ये गेम में पहले GL ऑप्शंस ही डिस्कस कर लें। सो GL ऑप्शंस फॉर दिस गेम, मेरे दो ऑप्शन है लेफ्ट में, निखिल भाई के दो ऑप्शन है राइट में। तो मेरे दो ऑप्शन है इस गेम के लिए, नूर अहमद सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल वही ऑप्शन रहेंगे, अजिंक्य रहाणे पहले बैटिंग करें या दूसरी बैटिंग करें, मेरे ये GL ऑप्शन जरूर बनेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो ट्रैक्स पे पिचेस स्लोअर रही हैं वहां पे इन्हें प्रॉब्लम रही है, बट ये जो ट्रैक है बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। एंड ये मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि ही विल कम राइट अप अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल अनलेस एंड अनटिल वी लूज अ विकेट वेरी अर्ली। सो आई थिंक अजिंक्य शुड बी अ गुड पिक। निखिल भाई, ओवर टू यू। Yeah, I like the we in that sentence, unless we lose a wicket early. So that's what the game does to you. Fair है, मेरे को भी expectations तो है रहने से। My only concern with रहने was कि उनका entry point should not be against राशिद immediately. वो अगर चीज चेन्नई इंश्योर कर लेती है या वो अगर वैसे रोटेट कर ले, तो दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर रहने टू एंड द सीजन हाउ ही स्टार्टेड। और चेन्नई के लिए वो बहुत क्रूशियल है कि दे फाइंड मोर पीपल टू कंट्रीब्यूट, जिसके लिए मेरे जो दो ग्रैंड लीग ऑप्शंस है वो दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने पूरे सीजन बैक करा है, पर पूरे सीजन में ज्यादा उनसे मिला नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दोस 1-4 विकेट और फ्रॉम मोइन एंड अ कपल ऑफ हैंडी ट्वेंटीज फ्रॉम मिलर। तो मेरे लगता है मोइन अली कुड डू अ वॉटसन। अभी ये मैंने 3 दिन पहले ट्वीट कर ही दिया था, तो मैंने बोला आई स्टिक टू दैट गट फील के क्या पता मोइन अली पूरा सीजन ना करके फाइनल में आके
मैं उनसे 100 नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर इट कुड बी एन इम्पैक्टफुल 2 विकेट और अ 50 रन नॉक विच कुड इनफ बी डिफरेंशियल, क्योंकि ज्यादा लोग उनको नहीं लेके आएंगे और आपको स्मॉल लीग में नहीं भी लेके जाना चाहिए. तो लेट्स बी ऑनेस्ट इन दैट टर्म्स ऑल्सो, उनको यूसेज ही वैसा नहीं रहा है. पर अगर नए बॉल से विकेट जाती हैं, इफ मोइनरी गेट्स प्रमोटेड एंड ही डज समथिंग बिग और स्पेशल, तो ऑलवेज वर्थ डूइंग. और अब देखो, अगर गिल वापस चलता है तो मिलर की बैटिंग नहीं आएगी, पर वापस चलेगा क्या, नहीं चलेगा. ग्रैंडली है तो मिलर को मेरे हिसाब से बड़े दिन पे लेके जाना फेयर भी है. तो टू लेफ्टीज दैट आई एम बैकिंग, मोइन एंड मिलर. अब देखते हैं. आज की बेस टीम की तरफ. तो बेस टीम की तरफ चलते हैं एंड स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहां पे आप आग बंद करके ले सकते हो मिस्टर डेविन कॉनवे. रिदिमन साहा ठीक ठाक लगे हैं, बट लास्ट कुछ गेम से रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा उनका. एंड दीपक चहर के सामने इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे कैसे टैकल करेंगे. एज वी नो कि जब थोड़ा बॉडी लाइन पे बॉल आती है तो स्ट्रगल करते हैं, बट दीपक चहर के पास उतना पेस नहीं है. सो अनलेस आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी तो आप उन्हें बैक कर सकते हो, क्योंकि हम पता है काफी गेम साहा ने कीपिंग पॉइंट्स के साथ भी खराब किए हैं पीछे. हाँ बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा, अगर वो पहले बैटिंग करते तो फिर भी आप उन पे चांस ले सकते हो. सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो शायद मैं दीपक चहर पे ज़्यादा भरोसा करूँ कि भाई वो चांस निकल वाले हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू होप कि भाई चेन्नई वो चांस ले ले. तो आई विल स्टिल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आप बाकी किसी के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हो तो साहा इज स्टिल अ सेफ पिक टू टेक, क्योंकि आपको कीपिंग से वो 15-20 पॉइंट तो आराम से देके जाएंगे अगर बैटिंग से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ना किया तो भी. यस फेयर इनफ. तो ये रही कीपिंग सेक्शन. बैटिंग सेक्शन की तरफ चलें तो शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस. यहाँ पे आई गेस द ओनली चॉइस यू हैव टू मेक इज इफ यू थिंक शिवम दुबे विल बी टैकल्ड बाय अ बाउंसर अर्ली इन हिज इनिंग्स, क्योंकि ये वो ट्रैक नहीं है जहाँ पे स्पिनर्स को इतनी मदद मिलेगी. दिस इज द ट्रैक जहाँ पे पेस एंड बाउंस रहेगा. तो शिवम दुबे विल बी द मैचअप टू वॉच आउट फॉर, बट क्योंकि फॉर्म है उनके साथ तो हम बेस टीम में तो उन्हें रखे हैं, बट चेंज करना है तो वो आप वहां पे एक रिस्क ले सकते हो. बाकी तो दूसरे दोनों पे आपने रिस्क लिया एंड जैसे वो चल रहे हैं तो आपका दिन वहीं पे खत्म. एंड विजय शंकर का भी अब देखो, जो एंट्री पॉइंट है साई के एंट्री के बाद विजय शंकर का फैंटेसी पोटेंशियल नीचे चला जाता है. हैड साई नॉट बीन पार्ट ऑफ द गेम तो विजय शंकर का फैंटेसी पोटेंशियल वाज लॉट हायर. तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एंट्री पॉइंट फॉर मिलर, तो इसके लिए हमने उन्हें ग्रैंडिंग ऑप्शन में रखा है. तो आप रोटेट बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ओपनर्स जल्दी आउट होंगे, तो आपके पास बहुत विकल्प है इन रहाणे, साय सुदर्शन, डेविड मिलर. मैं तो बोलूंगा किसी टीम में अंबाती राडू पे भी पंड ले सकते हो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में. यस फेयर इनफ. एंड आपको तो पता ही है कि मैं किस तरफ टेम्पटेड हूँ इस गेम में. मैं जीएल ऑप्शन में बता चुका हूँ. ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा वापस दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस हैं. हार्दिक लास्ट गेम में 145 तक भी बोलिंग की, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को यहाँ पे कौन से फेज में आते हैं. एंड एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखने के लिए फॉर ऑल आर जीएल प्लेयर्स, अगर आपको रिस्क लेना है तो मैचअप्स हैं थोड़े बहुत. ऋतुराज गायकवाड़ शमी के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, हमने जैसे कहा कि सेकंड इनिंग में शमी को मूवमेंट मिलती है एंड अगर वो वापस प्ले में आया तो उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 85 का है. अब तक आउट नहीं किया है उन्हें, बट सैंपल साइज अच्छा खासा है, 55 बॉल्स खेल चुके हैं उनके सामने. वाइल कॉनवे 3 बार आउट हुए, लास्ट टाइम वो जब आउट हुए तो 16th ओवर में आउट हुए, बट ये बार अगर वो सेकंड इनिंग में खेलते हैं वो मूवमेंट मिली वापस शमी को तो वहाँ वो फंस सकते हैं. तो अगर आपको जीएल में चांस लेना है, स्पेशली अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग कर रही है, तो वो चांस आप बिल्कुल ले सकते हो. बिल्कुल, काफी फेयर. एंड बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलें तो यहाँ पे मोहम्मद शमी, दीपक चहर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल एंड मतीशा पदिराना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं. आई नो कि मोहित शर्मा विल बी टेम्पटिंग फॉर मेनी पीपल, क्योंकि लास्ट गेम में 5 विकेट्स लिए, बट आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट में वो विकेट्स आए. एंड अगर आपको लग रहा है कि इतने ज्यादा रन बन जाएंगे या इतना बड़ा कोलैप्स होगा, क्योंकि अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे तो मैं फिर भी उन्हें लेके जाऊंगा. एज फिर हमें पता है कि वो फोर्स्ड प्रेशर सिचुएशन में जरूर डालेंगे जहां पे चेन्नई को अटैक करना ही पड़ेगा, बट क्या
वापस चेन्नई को 200+ चेस करके उन्हें ऐसे अटैक करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि चेजिंग में उनको उतने विकेट्स वापस मिले, बट फर्स्ट बॉलिंग में मैं जरूर उन्हें बैक करूंगा इन प्लेस ऑफ जॉश लिटिल। यार काफी आगे देखो, पूरा गेम विजुअलाइजेशन का है। जो काम कल आके मोहित ने किया वो शमी भी कर सकता था, हार्दिक को भी मिल सकते थे विकेट्स, तो मिलने हैं तो किसी को भी मिलेंगे। आपको आपके विजुअलाइजेशन को बैक करना है, आप आपके हिसाब से लॉजिक को बैक करो तो इट विल वर्कआउट। अब देखो बहुत दफा ऐसा भी है, राशिद का भी यूसेज ऐसा रहा है कि वो तीन डाल रहे एक साथ, जो हम इसके पहले अपन ने कभी नहीं देखा कि राशिद एक साथ एक स्पेल डाल रहा है जिसमें दो से ज्यादा ओवर, हमेशा एक होता है फिर दो होता है, या एक 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 होता है कभी कहीं बार। तो उस हिसाब से बोलर का यूसेज वैसा चेंज हो जाता है। तो दीपक चहर पे भी आप वैसा रिस्क ले सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आपको पता है वो कब बॉलिंग कर दे, वो तीन डाल रहा है पावर प्ले में, अगर आप पावर प्ले में विकेट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप दीपक चहर के बल्ले आप थिक्षणा को ले लो, या तो आप किसी और ऑलराउंडर को ले लो जो आपको लगता है कि शायद ज़्यादा रिटर्न दे दे वैल्यू के लिए। तो यू विल हैव टू ऑब्वियसली बैक योर विजुअलाइजेशन, और ये गेम सबकी टीम सेम मिल सकती है आपको, तो आपको आपके विजुअलाइजेशन पे भरोसा रख के यू हैव टू मेक मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। एंड या कैप्टन वाइस कैप्टन भी शायद सबका कैप्टन, तो मेरे को लगता है सबका ही किल होगा, तो वहाँ पे स्मॉल लीग में तो रिस्क लेके मतलब ही नहीं है, अनलेस आपको बहुत बड़ी गट फील है उस दिन पे कि आपका लक्स को ही बेटर होगा। तो इट्स गट फील, इट डजंट ऑलवेज टेल यू इट्स अ राइट फील और अ रॉन्ग फील, इट्स अ गट फील फॉर अ रीजन। यस फेयर इनफ। तो ये रही हमारी आज की बेस टीम, एंड उसके अलावा फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन करेगा। एंड अगर आप ये प्रीव्यू सैटरडे को देख रहे हो तो मेरा T20 ब्लास्ट का प्रीव्यू भी अपलोडेड है, तो वो जरूर जाके देख लेना। एंड साथ साथ में रिमेम्बर टू डाउनलोड द फैन टू प्ले ऐप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर डाउनलोड करेगा एंड जल्दी से लाइक मार दो। एंड निखिल सर बता दो हमें कि क्या है आज का जर्सी गिव अवे क्वेश्चन। तो जर्सी गिवअवे क्वेश्चन देखो, फाइनल है तो पूरे सीजन जिसको बैक करा है उसी को फिर से बैक करते हैं कि भाई हाउ मेनी विकेट्स विल रशीद खान टेक, मेंशन विकेट्स एंड रन्स, एग्जांपल रशीद खान 2 for 21। अब इन्होंने ही मेहनत नहीं की क्वालिफायर वन का मैचअप चेंज करने, तो हम क्यों क्वेश्चन बदले भाई, वही सेम गेम हम पहले गेम देखे, पहला गेम हमने क्वालिफायर भी सेम देखा, तो अब वो क्वेश्चन सेम रखा तो हम भी क्वेश्चन सेम रखेंगे। हार्मनी विल रिजल्ट भी सेम आ जाए तो वी डोंट माइंड। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट रिजल्ट ऑफ क्वालिफायर वन, नॉट ऑफ द फर्स्ट गेम, बट यस दैट्स अबाउट इट। जल्दी से बता दो कॉमेंट्स में कितने विकेट लेंगे राशिद, नो मल्टीपल कॉमेंट्स, नो एडिटेड कॉमेंट्स। And इस जर्सी गिवअवे का विनर हम अनाउंस करेंगे ट्विटर पे, एंड उसके अलावा प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, तो रिस्पॉन्सिबली खेलेगा। एंड जाने से पहले निखिल भाई, व्हाट आर योर थॉट्स एंड प्रेडिक्शंस, वन ऑन द विन प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम एंड सेकंड ऑन व्हेन इज धोनीज लास्ट गेम और इज इट धोनीज लास्ट गेम? यार अगर मैं होता शरीर में तो मैं बोलता शायद लास्ट होगा, पर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं कहूँगा कि लास्ट है। पता नहीं, यू नो इट इज नेवर ऑब्वियस विद एमएस, तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू प्लेस, आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू डजंट एज वेल, पर मेरे लिए दिस इज ऑलरेडी अ विन इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव कम अप विद द स्क्वाड दैट दे हैव, तो यहाँ तक पहुँचना ही अच्छी बात है। तो डेफिनेटली आई विश फॉर हिम टू विन, पर दोनों में से कोई भी जीते थे बोथ डिजर्व इक्वली टू विन, तो आई हैव नो problems in losing to GT also if at all it happens, so koi masla nahi. Yes, fair enough. And anyway Dhoni ne kaha tha ki wo to December 23 mein decide karenge, don't expect anything tomorrow, wo aise type ke hai hi nahi jo aake sabke samne bol de, wo aapko ek reel dal denge and aapko pata chal jayega tabhi. From this date consider me done, chill, cheers. Yes, that's typical Mahi. Thank you so much to everyone who tuned in across all the IPL previews. Very grateful to you. And jaldi milenge, T20 Blast previews hai. Bahut sare games abhi baki hain. Thank you so much, Nikhil bhai. Bilkul. Thank you so much pure season saath dene ke liye. Bhagwan kare, aapka pyar rahe to wapis milenge saath mein with lot more previews. Pata nahi jo bhi hai. In whichever format, for whichever club or whichever team. Kyunki bahut cricket hai. To अपना इन्वेस्टमेंट भी केयरफुली करना, राइट थ्रू स्टडी द गेम्स, पिक योर राइट सीरीज, पिक योर राइट फॉर्मेट्स एंड देन गो इट।
So good luck and always back your visualization. Keep winning.